निहम मानव सेवा सोसाइटी द्वारा 30 जुलाई रविवार के दिन श्री हरि कृष्णा गौशाला भूड में आयोजित किया जा रहा है रक्तदान शिविर। जिला बिलासपुर के घुमारवी में पंजीकृत नेहा मानव सेवा सोसाइटी अपना 13वां रक्तदान शिविर बद्दी के निकट मलूक माजरा में स्थित हरे कृष्णा गौशाला में आयोजित करने जा रही है। यह रक्तदान शिविर स्वर्गीय अनुज बरूर की याद में आयोजित किया जा रहा है। यह रक्तदान शिविर थैलासीमिया बीमारी से पीड़ितों के लिए विशेष रूप से लगाया जा रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय अनुज बरूर को भी थैलासीमिया की वजह से बेवक्त ही इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा था। नमस्ते, मैं आरजू साई आप लोगों से खास अपील करने आई हूँ। रक्तदान महादान है, आप सभी लोग जानते हैं। आपका डोनेट किया हुआ ब्लड किसी की जिंदगी बचा सकता है। नेहा मानव सेवा सोसाइटी रक्तदान शिविर आयोजित करती रहती है और इस बार उनका 13वां रक्तदान शिविर बद्दी में आयोजित किया जा रहा है। 30 जुलाई को ये कैंप लगेगा बद्दी में, जिसकी पूरी डिटेल्स मैं ये नीचे शेयर कर रही हूँ। आप जरूर जाएं, रक्तदान शिविर का हिस्सा बने और पुण्य कमाएं। शुक्रिया। थैलासीमिया से पीड़ित बच्चों का जीवन रक्तदानियों के सहयोग से ही बच पाता है। चंडीगढ़ पीजीआई की ब्लड बैंक टीम इस रक्तदान शिविर में थैलासीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त एकत्रित करने पहुंच रही है। रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को रक्त सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जिन रक्तवीरों ने 100 या इससे अधिक बार रक्तदान किया है, उन्हें रक्त रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। रक्तदानियों के साथ साथ शिविर में विभिन्न सेवाएं निभाने वाले सेवादारों को रिफ्रेशमेंट व भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। यहाँ मानव सेवा सोसाइटी के संस्थापक एवं सचिव पवन बरू जी का सभी रक्तदानियों से विनम्र निवेदन किया है कि उनके नंबर 8219337757 पर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा लें, ताकि आपके आने जाने और खाने की उचित व्यवस्था की जा सके। नेहा मानव सेवा सोसाइटी ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदानी शिविर में पहुंचे और रक्तदान शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दें। हिमाचल प्रदेश से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।